Chapter number 2, factors and multiples. Let's discuss today's topic. Exercise 2F. इसको आज हम continue करेंगे. Question number 4 से. तो question number 4 है, find the LCM of these pair of numbers using the prime factorization method. एक prime factorization method आपको use करना है और LCM find out करना है. वो method देखते हैं. First question है 18 and 24. इसका आपने LCM बताना है. तो 18 जो है इसको आप पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. नेक्स्ट है 24, 24 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. अब हमने क्या राइट करना है, फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के लिए सारे फैक्टर्स इसके सामने राइट करें, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के सारे के सारे ये फैक्टर्स इसके सामने राइट करें. अब ये देखें कौन से दो नंबर हैं जो, यानी कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू में बिल्कुल सेम है. तो ये देखिए 2 है, इसको हमने सर्कल किया है, हाईलाइट कर दें. ये 3 फर्स्ट वैल्यू में मौजूद है, सेकंड वैल्यू में मौजूद है, आप इसको सर्कल करना है. उसके बाद ये देखिए 2 सर्कल है, 3 आपने 2 राइट करना है वन टाइम्स. ये 3 जो है इसको हमने सर्कल किया हुआ है, ये 3 को आपने वन टाइम राइट करना है. उसके बाद जो बाकी जो मैच नहीं हुए किसी के साथ भी आपने उनको ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2. अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 3 के साथ, फिर 2 के साथ और फिर 2 के साथ, होता है ना आपके पास आंसर आएगा 72. तो 72 इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 एंड 16. तो 12 को स्प्लिट करें फैक्टर्स में, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3. 16 को करेंगे तो 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2. फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 multiplied by 2 multiplied by 3, ये सारे के सारे फैक्टर्स 12 के हैं. फिर फैक्टर्स ऑफ 16, 16 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, ये सारे के सारे फैक्टर्स 16 के हैं. अब आपने हाईलाइट करना है, सर्कल करें उन वैल्यूज को जो दोनों वैल्यूज में कॉमन है, जो फर्स्ट वैल्यू में भी आ रहा है सेकंड वैल्यू में भी आ रहा है इसको सर्कल करें. उसके बाद ये 2 भी फर्स्ट वैल्यू में आ रहा है सेकंड वैल्यू में भी आ रहा है इसको भी सर्कल करें. बाकी कोई मैच नहीं करता है वो ऐसे रहने दें. एलसीएम इक्वल्स टू ये 2 multiplied by 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 multiplied by 2 multiplied by 2. यानी कॉमन फैक्टर्स आपने पहले राइट करना है, फिर अनकॉमन या नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपने यहाँ राइट करना है. उसके बाद अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 multiplied by 2 4, 4 multiplied by 3 multiplied by 2 6, देन ये 2 ऐसे आ जाएगा, 4 multiplied by 6 24, मल्टीप्लाई बाय 2 24 multiplied by 2 48, 48 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी 30 एंड 12. 30 को उसको स्प्लिट करें फैक्टर्स में, 2 1s are 2, 2 5s are 10, फिर 3 5s are 15, 5 1s are 5. सिमिलरली 12 को करेंगे, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. नेक्स्ट ये फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के फैक्टर्स कौन से हैं, ये सारे 30 के फैक्टर्स इसके सामने राइट करें, 2 multiplied by 3 multiplied by 5. उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स राइट करें, 2 multiplied by 2 multiplied by 3. अब कॉमन वैल्यूज हैं उनको सर्कल करें, हाईलाइट करें, 2 और 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है तो इसको सर्कल करें. या आपने जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको आपने वन टाइम राइट करना है, 2 का 2 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 का 3 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. अब इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiplied by 3 6, फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, 2 multiplied by 5 10, एंड 6 multiplied by 10 60. तो 60 इज द एलसीएम ऑफ 30 एंड 12. ऑल राइट स्टूडेंट्स, बाकी सारे जो क्वेश्चन है इसी पार्ट के वो आप इसी मेथड को सामने रखते हुए सॉल्व करते हैं. ओके जी, लेक्चर कंप्लीट हो गया है. अल्लाह हाफिज़.